पर इस स्पोर्ट्स के चक्कर में आप अपने पिताजी की नाराजगी का भी शिकार हुआ आपने आर्मी पब्लिक स्कूल छोड़ दिया धोला कुआ का इतना अच्छा स्कूल मैं कहा ना मारखाने का लायक ही था उनको बिना बताए आई डोंट नो हाउ मेनी किड्स डू इट मैंने बिना बताए टीसी ले लिया स्कूल से और स्कूल ने दे भी दिया एक उसका भी एक एक, एक लूप होल है हाँ तो जब भी डायरी पे टीचर्स रोट कि आपने ये गलत काम किया डैड से सिग्नेचर लेके आओ इट वॉज ऑल माई सिग्नेचर आई कॉपीड माई डैड सिग्नेचर फ्रॉम डे वन बट नाउ आई टेल हिम नो 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 जज मत करो मुझे प्लीज़ बट नाउ आई टेल हिम आपका सिग्नेचर पूरी नए फेमस है विद एट साउट डू माई ऑटोग्राफ तो वही सिग्नेचर आपका कहता था आप टेंशन मत लीजिए बट उस टाइम पे हिम्मत नहीं होती थी डायट को आके बोलूँ कि ऐसा ऐसा हो गया है क्या होता था स्कूल में ऐसा आपने ये कर दी है आपने क्लास बंक की है आपने कुछ बदतमीजी कर दी आपने ग्लास तोड़ दिया सब जितने खराब काम हैं सब मैं या तो डायरेक्टली या इंडायरेक्टली इन्वॉल्व तो था ही और इस बात का को मुझे कोई खुशी नहीं है बट वैसा था <laughs> हा, हा, हा। तो मेरी बहन और मैं एक स्कूल में थे खुराफाती दिमाग कितना था मैं बताता हूँ आपको मेरी मैं मेरी बहन और मेरे स्कूल में थे वो सेवन्थ में मैं एट्थ में हूँ हम दोनों भाई बहन हैं ब्लड से बट स्कूल के लिए उसके पिताजी माता जी हरदम आ रहे हैं पी मीटिंग में और मेरे नहीं आ रहे तो चक्कर क्या है तो स्कूल में था सिंपल टीचर्स के लिए मैं और वो कज़न भाई बहन है और उसको साफ बोल दिया गया था यही हमारी सच्चाई है <laughs> क्या आप मेरी कजन बहन हो आपके माता पिता आपके माता पिता हैं उनको आना आते रहेंगे मेरे माता पिता पीटी मीटिंग में नहीं आए हार्डली माई पेरेंट्स की मिट्टी में पीटीए मीटिंग क्योंकि आप उन्हें बताते नहीं थे आपका चांस ही नहीं है जो खुद चांस ही नहीं बताने का और कितनी बार टीचरों ने यू गॉट टू कॉल द ओनली सेविंग ग्रेस सौरव जी वॉज मैनेज कर लेता था पढ़ाई में आई थिंक थोड़ा शार्प था अगेन अपने मूमिया मिट्टू बट आई टू मैनेज आई थोड़ा कम पढ़ के कम वक्त दे के आई वॉज आई वॉज एवरेज इफ आई वॉन्टेड समथिंग कि मुझे इसमें अच्छा होना आई कुड फेल यू डू इट आई वॉज एन अरे यार ये तो बर्बाद ही है टाइप्स और इसी का मुझे बहुत आ, हिंदी में क्या बोलते हैं गर रिगरेट कोश्चताप गु, गु, कि मैंने वक्त नहीं दिया पढ़ाई को क्योंकि अब मेरे समय में आया पढ़ाई तो बहुत ईजी काम है The, द मैथ्स the द द the, the, the diagrams, everything says the द सेम जो आप पढ़ के गए थे वही मैंने पढ़ा वही पढ़ेंगे कभी चेंज नहीं होता है पढ़ाई तो बहुत ईजी है पढ़ो समझो और चेंज नहीं होगा खेलना मुश्किल है आप जिसको आज बीट करो डिफेंडर को वो कल सेम डिफेंडर नहीं होगा और एक डिफेंडर आएगा स्ट्रेटी डिफरेंट होगी एवरी डे ईफ टू थिंक समथिंग डिफरेंट स्पोर्ट्स इज सो क्रीजली डायनमिक कि एवरी डे सेम क्वेश्चन नहीं आएगा आप कितने ही मान मैं चौबीस साल खेल लिया हूँ फुटबॉल अभी भी मुझे डिफ़िकल्टी होती है समटाइम्स टू टू बीट डिफेंडर कुछ नया लेके आएगा कुछ नया कुछ स्पीड अच्छी होगी टेक्निक अच्छा होगा हेडिंग में अच्छा होगा टैक्टिक डिफरेंट होगा सो एवरी डे यू फेसिंग अ डिफरेंट चैलेंज फॉर एवरी स्पोर्ट्स पढ़ाई तो ईज़ी है ना यार पाथकम ना चेंज हो आप पढ़ के गए थे मैं भी वही हूँ वही सब में ट्वेल्थ तक एटलीस्ट जो मेजर पढ़ाई है वो सेम है सबके लिए फिर मुझे रेडो तक क्यों नहीं पढ़ा मैंने यार वो तो ईज़ी काम था खेलना मुश्किल है ना पेड़ में चढ़ना मुश्किल है झूठ बोलना मुश्किल है घर से भाग जाना मुश्किल है पढ़ना तो ईज़ी है खाना मिल रहा था पढ़ाई करना है सो जाना है मस्त लाइफ था लेकिन वो है ना इजी काम पसंद नहीं था उस टाइम पे, तो अब पढ़ाई करता हूँ एंड हैंस डॉक्टर विकास देवकृति अब आपको शायद कनेक्शन समझ में आया होगा तो ऐसे जितने भी अच्छे टीचर्स हैं उनको ढूंढता हूँ उनका पढ़ाने का तरीका उनका डिनर इतना प्यारा है कि आप वो वक्त दे पाते हो और जो चीज़ें समझाते हैं चाहे वो आर्टिकल थ्री सेवेंटी हो चाहे वो पैलस्टीना नजाइल की बात हो चाहे वालशन के ऊपर बात हो आप समझते हो एटलीस्ट इतने काबिल बन जाते हो कि आप जब किसी और जगह पर बैठो जो स्पोर्ट्स सेंट्रिक ना हो कुछ बात कर पाओ तब पढ़ा नहीं स्कूल में अब ऐसे ही कभी कभी कुछ ज्ञान ले लेता हूँ और मज़ा भी आता है